मुसावादाभिर्मनि सिक्खापदंस्मादियामि और उनको परिणाम के कोई रास्ते भी ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। हम कौन से रास्ते पे अब चलें जिससे हम हमारा समाज हमारे अधिकार वो बच जाए। जितनी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए हमारे बीच में जो भी साथी अब तक रहे हैं, किसी भी प्रकार के सामाजिक संगठन चलाए हैं, किसी भी प्रकार के धार्मिक संगठन उन्होंने चलाए हैं, संस्थाएं चलाई हैं, किसी प्रकार के ट्रस्ट चलाए हैं, जो पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हमें मिला था, उसको जब हम देखते हैं कि सन 1950 से जैसे संविधान लागू हुआ तब से अब तक कार्य निरंतर हुए, लगातार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आम लोग जो किसी संगठन का हिस्सा नहीं है, जो किसी संस्था का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन संस्थाओं में, उन संगठनों में, उन धमकी कार्यों में व्यक्तिगत रूप से अपना सहयोग पूर्ण रूप से देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ऐसे कौन से कारण रह गए कि हमें आज प्रणाम के नाम पे जितने अधिकारों को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगाया, हम उन अधिकारों को जो दिए गए उन अधिकारों को नहीं बचा पाए। तब बहुत सारे लोगों से डिस्कशन के बाद में कुछ चीजें निकली, कुछ रास्ते निकले कि अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो उसके कारण क्या थे, ऐसा हो सकता है, अब कौन सा विकल्प है। क्योंकि हमें जो व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था हम बोलते हैं, जो बाह्य लोगों की व्यवस्था है जिसमें हमें इंसान बनने का हक अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उस व्यवस्था का तो उद्देश्य था ऐसा करना, लेकिन हम जिस व्यवस्था के पोषक हैं हमारा क्या उद्देश्य था और हम उसको कैसे कर पाए। तो हमने देखा कि उस व्यवस्था ने हमें 6743 जातियों में बांटा केवल, लेकिन जब हम अपने पिछले 70 साल के इतिहास को देखते हैं भारत में, जब से संविधान लागू हुआ है, हमारी 1, 2, 3 ये तीसरी पीढ़ी मैक्सिमम कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों की पहली पीढ़ी जो ग्राउंड से निकल के मजदूरी करके यहां तक आई है, जो ये तीन पीढ़ियां हैं, इसमें हमारे बीच में जितने लोगों ने भी, एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने किसी ना किसी रूप में अपने आप को काम करने के लिए, समाज को आगे लाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए, तथागत बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए। अब आपको यकीन आ जाएगा शायद, जो नागपुर में 28-29 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी जिसमें 100 सामाजिक संगठनों ने प्रतिभाग किया था, वहां पर क्योंकि मुझे और हमारी पूरी टीम को पहले ऐसा लगता था कि पूरे भारत में हमारे लगभग 40,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन है सामाजिक, लेकिन वहां से जो डेटा पता चला हमें, वहां से डेटा पता चला 28 लाख से ज्यादा संगठनों में हमने खुद को बांट दिया, जिसमें से कोई ना कोई संगठन किसी ना किसी पल 24 घंटे कुछ ना कुछ कार्य ऐसा करता है जिससे हमारे अधिकार बच जाए, जिससे हमारे जो समाज है उसको रास्ता मिल जाए, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, जिससे हमारी शिक्षा मजबूत हो जाए, रोज ऐसा करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि उन्होंने बांटा 6743 जातियों में और हमने बांटा 28 लाख संगठनों में, टुकड़ों में अपने आप को, तो हमने कहा अगर हम लोग जो समझ रहे हैं, सोच रहे हैं एक और संगठन बना ले तो 28 लाख कुछ में गिनती हमारी हो जाएगी, तो हम लोग काफी समय से ये विचार कर रहे हैं कि संगठन से तो होने वाला नहीं मामला। भारत में आज की वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई भी कितनी भी मजबूत राजनीतिक पार्टी, कोई सामाजिक संगठन, कोई धार्मिक संगठन अब ऐसा हमें नहीं दिखता है
जहां लोगों को जुड़ना था, ऑर्गेनाइज होना था, वो हो जाते अगर होते। अब अगर ऐसे नहीं हुए तो कैसे हो सकते लोग, क्योंकि सारा खेल संविधान में जो दिया है वो लोगों का है, लोकतंत्र संविधान में निहित है, बाबा साहब ने सब कुछ लिख के दे दिया है। लेकिन हमने आपस में कभी भी जुड़ने के प्रयास नहीं किए। हमें जोड़ा या तो हमारे मोहल्ले के नेताओं ने आकर के, या हमारे गांव के नेताओं ने आकर के, या हमारे शहर के नेताओं ने आके, या हमारे प्रदेश के देश के नेताओं ने आके हमें जोड़ा, हमें बताया आप जुड़ जाएंगे। जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने किया, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं, मुझे नहीं पता कि इस भारत में जितने भी लोग संगठन चलाते हैं अगर उनको सामाजिक आर्थिक सहयोग मिलना बंद हो जाए तो वो एक अपना लेटर हेड भी अपनी जेब से नहीं छपवा पाएंगे। कुछ को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन वास्तविकता जो मेजोरिटी है उसकी वास्तविकता यही है, तो एक शब्द अचानक तो नहीं बल्कि जो पॉपुलर पूरे वर्ल्ड वाइड भारतीय संविधान में एक शब्द जो प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल, जिसमें संविधान के अंदर हर जो भी पद पर आएगा उसका जो उत्तरदायित्व है, उसकी जो डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वी द पीपल के लिए है। और वी द पीपल की हालत क्या है ये हम में से किसी से भी छुपी नहीं है, उसकी हालत क्या आज की तारीख में। अब जब वी द पीपल की हालत ऐसी है तो उसका कारण क्या है, जब कारण की तह में गए तो वी द पीपल खुद ही उसका कारण है। वी द पीपल को कभी भी आभास नहीं हुआ कि इस देश की जितनी भी शक्तियां हैं जो बाबा साहब ने संविधान के बल पर भारत में एग्जिस्ट की थी अपने पूरे जीवन काम करके, तो वो केवल और केवल वी द पीपल के लिए की थी। जब वी द पीपल को यह समझ में आया कि संगठन बनाने वाले, पार्टी बनाने वाले या और किसी प्रकार के धार्मिक संगठन वाले, उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग किया, प्रयोग किया, उन्होंने काम किया, समाज को जागृति फैलाई, आगे बढ़ाया, हम सब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी संगठन में किसी ना किसी समय पर उसका हिस्सा रहे होंगे, क्योंकि हमने हर तरह का आर्थिक और शारीरिक मानसिक हर तरह का सहयोग किया है। लेकिन जो वी द पीपल की अवधारणा निकल करके आई संविधान में, जो नीत है, जो प्रीएम्बल में वी द पीपल लगातार 6 से ज्यादा महीने हो गए हैं, जो साथी उस मीटिंग में जुड़ते हैं पूरे भारत के नहीं वरन एब्रॉड के लोग भी उसमें चर्चा करते हैं कि वी द पीपल की समस्या और उसका समाधान वी द पीपल के पास है, किसी और के पास नहीं है, तब जो वी द पीपल है उन्होंने ये तय किया कि हमें अब भारत में इकट्ठा होना है, हमें जुड़ना है, और जुड़ करके हर उस व्यक्ति से जो हमारे बीच में संवैधानिक पदों पर आता है, जो हमारे बीच में किसी भी संगठनों में जो प्रतिभा करते हैं, जो भी उसके चलाने वाले होते हैं वो हमारे साथ आते हैं, हमें सामूहिक रूप से उनसे कुछ प्रश्न करने हैं, और उनसे प्रश्न ये करने हैं कि भाई 70 सालों में हमने जितना सहयोग कर सकते थे आपके लिए किया है, लेकिन हमें मिला क्या। पहले आप ये बताइए, क्योंकि जब तक हम ऐसा मानते हैं, जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं हो जाते तब तक शायद हमें ऐसा लगता है आप कोई भी रास्ता हमें नहीं दिखा पाते, और तब तक जब तक आप इकट्ठा नहीं होते हैं तब तक हम एक काम करते हैं, खुद इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी आम आदमी हैं, जितने भी वी द पीपल हैं, वो आपस में हर स्तर पर जुड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने। 6 महीने से ज्यादा का प्रयास हो गया, मई से निरंतर जब से लॉकडाउन वगैरह था कोविड के कारण, तब से जूम ऐप पर मीटिंग चलती है, प्रतिदिन चलती है, शाम को रात को 8 बजे से 11 बजे तक निरंतर चलती है। उसके बाद 0 आवर में जो भी हमारे बहुत सारे संगठन साथी जुड़ते हैं वो 12-1-2 बजे तक भी सिर्फ यही डिस्कशन करते हैं कि हम क्या करें। जो उनको करना था उन्होंने किया, लेकिन हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, तो एक ही रास्ता निकला कि हम इकट्ठा हो जाए, क्योंकि संविधान ये कहता है कि हम जब इकट्ठा हो जाएंगे तो जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं वो हमें संविधान से मिल जाएंगे, ये क्लियरली संविधान में लिखा हुआ है। तो जो भी
आज प्रयास है विदा पीपल के रूप में, वो प्रयास ये है कि हम इकट्ठा हो। अगर किसी साथी को ऐसा लगता है कि बगैर इकट्ठा हुए, बगैर आपस में कनेक्ट हुए, हमारे पास कोई और भी विकल्प है जिससे हमारे पास जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जिससे जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल जाए, उनको चिकित्सा मिल जाए और उनको कल सड़क पर चलने के लिए एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर वो शांति से अपना जीवन गुजार सके। अगर कोई बेहतर विकल्प किसी भी साथी के पास कभी भी आता है तो विदा पीपल का जो ये टैग है जो प्रीएम्बल में लिखा है, जिसको हम लोग 24 घंटे गाना गा के बजा के हर इंसान को बता रहे हैं, हर उस समर संघ के लोगों को बता रहे हैं, हर उस मूल निवासी को बता रहे हैं कि भाई हमें अब इकट्ठा होना है। हमारे इकट्ठा होने के लिए हमें किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है, हमें इकट्ठा होने के लिए किसी ठेकेदार की आवश्यकता नहीं है, हमें इकट्ठा करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। हम उस समाज उस संस्कृति के लोग हैं, हम उस व्यवस्था के लोग हैं कि हम जानते हैं पढ़े लिखे हैं तो पहले हम इकट्ठा हो जाएंगे। उस इकट्ठा होने में 25 जुलाई को इकट्ठा हुए पहली बार पानीपत में, वहां इसमें विदा पीपल में इकट्ठा होने के कारवा के साथ में एक और अंतिम प्रमोशन होता है विदा पीपल में, उसको बोलते हैं स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब है जो विदा पीपल के कॉन्सेप्ट को समझ गया है, जो जुड़ना चाहता है और ये कहता है मुझे विदा पीपल समझ में आ गया, मैं जुड़ने को तैयार हूं, तो उसका तुरंत प्रमोशन हो जाता है। कोई भी किसी का प्रमोशन कर सकता है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष, कोई नेता विशेष, कोई पद विशेष कहीं काम नहीं करता है। जिस साथी ने उसको जोड़ा है, अगर वो साथी ये कह देता है मुझे विदा पीपल समझ में आ गया, विदा पीपल की अवधारणा समझ में आ गई और मैं अब जुड़ना चाहता हूं, मैं जुड़ चुका हूं और मैं दूसरे लोगों को भी जोड़ना चाहता हूं, तो उसका एक प्रमोशन कर दिया जाता है, हो जाता है स्वतः ही, और उसको बोलते हैं स्पोक। स्पोक का मतलब है प्रमोशन समझिए या जिम्मेदारी समझिए, वो व्यक्ति खुद ये जिम्मेदारी लेता है कि अब मैं भारत में अपने सभी समर्थ संघ के लोगों को जोड़ूंगा और वो उसे से जोड़ने का प्रयास करता है। उसी प्रयास में 22 राज्य के लोग पिछले 6.5 महीने में ऑनलाइन जूम ऐप की मीटिंग से जुड़े हैं। फिजिकल मीटिंग के माध्यम से पहला हाउस पानीपत में लगा, स्पोक का हाउस लगता है, एक संघ के रूप में लोग बैठते हैं, वो सारे जिम्मेदार लोग जो ये कहते हैं हमें जुड़ना है, बस इतना कहते हैं, वो उसमें बैठ सकते हैं, वो बैठते हैं, वो चर्चा करते हैं इस बात पर हम जुड़ के करेंगे क्या। अब उसमें बहुत सारे साथियों पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, बहुत सारे उद्देश्य लेकर के आते हैं और हमसे रोजाना बहुत सारे साथी पूछते हैं भाई अपना प्लान बताइए, अपना उद्देश्य बताइए, क्योंकि जो व्यक्ति घर से किसी को जोड़ने निकलता है उसे समाज का ठेकेदार मान लिया जाता है। वो समाज इतना निकम्मा है हमारा, घर में बैठ के सारे अधिकार उसको दे देता आपने और ये कहता साहब ये जाने जोड़ी जानना है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमसे जो ये कहेंगे वैसा कर देंगे। और जब वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने वो परिणाम देता है जो हमारे लिए सकारात्मक नहीं होते, तब हम उसको कहते हैं अरे ये व्यक्ति तो ऐसा निकल गया। जबकि हम कभी भी जब वो व्यक्ति वैसा बन रहा होता है, हमारी आंखों के सामने बनता है, हमारे देखते देखते बनता है, हमारे सहयोग से बनता है, हमारे किसी भी प्रकार के सहयोग से बनता है, तब हमें पता नहीं चलता ये व्यक्ति कल को व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बनने जा रहा है जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी में उसके बिल्कुल विरोध में चला जाएगा। जब वो चला जाता है तब हमें ऐसा पता लगता है, क्योंकि हम कभी भी अपनी जिम्मेदारी को अपने आप निर्वहन नहीं कर पाए। हमने अपनी जिम्मेदारी जो रिलेट टू सोसाइटी, जो संगठित रहना, ऑर्गेनाइज करना, जो हमें आपस में संघ बना करके रहना अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने आसपास में, अपने जहां भी हम रहते हैं जनपद में, वहां इस तरह का जो सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया 70 साल में और हमारे पास अब किसी भी जनपद में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई समस्या आकस्मिक आती है तो उसके कुछ लोग मिल करके ये तय कर लें कि इस समस्या का हल ये होगा और इस समस्या को हल करने में ये लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हम फिर वेट करते हैं अपने बीच में उन नेताओं को याद करते हैं जिनको हमने नेता बनाया। तो ये जो अवधारणा है राजनीतिक परिवेश के लिए, जो भी लोग हमारे बीच में आते हैं, समस्या तब हो गई जब वो राजनीति हमारे उन सामाजिक जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उनके अंदर वो गुण एंटर कर गया और उन्होंने सारे राजनीतिक कैरेक्टर अपने अंदर समाहित करते हुए समाज को ये बताया कि हम तो सामाजिक व्यक्ति, समाज के लिए खड़े हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसी समाज के सामने जब परिणाम हम देखते हैं 70 सालों के, हमें ये एहसास होता है कि शायद हम गलत थे, हमने गलत लोगों को प्रमोट कर दिया। तो तब विदा पीपल निर्णय लेता है कि अब भारत में कोई व्यक्ति विशेष किसी भी प्रकार से आ जाए हमारे सामने, वो व्यक्ति विशेष परिणाम नहीं दे सकता।
वो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अपना सब कुछ खोल के दिखा दे कि मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल समाज के लिए करता हूँ, लेकिन अब विदा पीपल ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा आएगा, अकेला व्यक्ति, हम उस पर फेथ करने वाले नहीं है, विश्वास करने वाले नहीं है, क्योंकि अब हमने दो काम शुरू कर दिए हैं, 5% समय लगा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं आप इकट्ठा हो जाइए। इकट्ठा हो गए बताइए कि भारत में जो भी परिस्थितियां चल रही है उन परिस्थितियों को लड़ने के लिए क्या विकल्प आपके पास है, और हम आपस में 95% समय इस बात पे लगा रहे हैं कि हर जनपद के, हर मोहल्ले के, हर गांव के, हर शहर के, हर प्रदेश में हम लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं वीदा पीपल के रूप में। वीदा पीपल के प्रति हर व्यक्ति की, उस व्यक्ति की जवाबदेही है जो संवैधानिक पद से हमारे सामने आता है, और हमारा ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उससे यूनिटी के रूप में ऑर्गेनाइज होकर के पूछें कि आपको जो, आपने जो जिम्मेदारी ली है संविधान के द्वारा, जो आप इस पद पर आए हैं, उस जिम्मेदारी को आप हमारे सामने कैसे पूरा करेंगे, ये हम पूछें। एक जनपद में कम से कम हमारे पास 100-200 लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ करके उस समाज की जिम्मेदारी को निभाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार होते हैं, तो हम उस हर व्यक्ति से जो 70 साल हमारे पास आए हैं, जो भविष्य में हमारे पास आने वाले हैं, हम मिल करके उनसे ये बात करेंगे, बैठा करके पूछेंगे कि आप हमें रास्ते बताइए, कौन से रास्ते समाज को बचाया जा सकता है, कौन से रास्ते से देश को बचाया जा सकता है, और किस क्या तरीका है आपके पास में कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने हम कहते हैं, चाहे मूल निवासी कहें, चाहे उनको बहुजन कहें, और चाहे वीदा पीपल कहें, वो सारे के सारे लोग जो आज, जो जिनको मिल जाना चाहिए था 70 साल में, वो अगर नहीं मिला है, क्योंकि भारत में संविधान जब से लागू हुआ है उसका 15-20% हिस्सा केवल लागू हुआ होगा, और हमारे केवल 1% साथी जो अब सूट बूट टाई में घूमते रहते हैं, वो जो जहाँ जहाँ समाज को ये दर्पण दिखाते रहते हैं या उनको अपना इतिहास बताते रहते हैं, उस 1% को पूरे वर्ल्ड में दिखा करके ये बताया जाता है कि ये इस समाज के लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, इतने यूनाइट हो गए हैं कि अब इनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं बची है। जबकि वास्तविकता ये है कि 99.99% जो हमारे लोग हैं, जो आम आदमी है, जो वीदा पीपल है, जिसको सुबह शाम तक की रोजी रोटी के लिए, सुबह शाम तक बच्चे की शिक्षा के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ रही है और उसमें थक जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो रास्ते हम कहाँ हैं? तो रास्ता सिर्फ ये है कि हमें इकट्ठा होना है, और इकट्ठा होने में कहीं किसी को कोई परेशानी है, कोई और तरीका किसी के पास है, क्योंकि वीदा पीपल एक तरीका बताया है वीदा पीपल ने कि हम सब जहाँ हैं वहाँ इकट्ठा हो जाए, क्योंकि हम इकट्ठा हो रहेंगे तो अपनी समस्या का समाधान तय कर लेंगे, क्योंकि सारी समस्या का समाधान संविधान में निहित है। संविधान हम सब लोग जानते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते, तो हमारे बीच में बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट हैं। अब इस चमत्कारिक प्रदर्शन में, इस कॉन्सेप्ट की अवधारणा में 6.5 महीने में जो परिणाम आए हैं, जो साथी नहीं जानते हैं, मैं उनके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं, इस 6.5 महीने में पूरे भारत के जितने डॉक्टर्स थे वो जूम ऐप पर इकट्ठा हुए, कोऑर्डिनेट किया उन्होंने, और विदेश के डॉक्टर्स भी उसमें इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद में उन्होंने ऑनलाइन जूम ऐप पर ओपीडी शुरू की। जितने भी हमारे बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने समाज के उन लोगों को जो पर्चा नहीं बनवा सकते, जो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, फीस नहीं दे सकते, जो पिछले लॉकडाउन में बहुत सारे साथी हमारे बीच में से ऐसे चले गए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाया, जिनको बुखार की टैबलेट नहीं मिल पाई, तो वो सारे साथी उसमें फ्री होते हैं। उस जूम ऐप पर के मोबाइल पर जाइए, आप वहाँ पर पूरी ओपीडी मिलेगी, जिस फील्ड का जो डॉक्टर हमारे पास है वो उनको उनके जो प्रश्न, उनकी जो समस्या होगी उसके समाधान के रूप में उसके व्हाट्सएप नंबर पर और उसके फोन द्वारा जो भी ट्रीटमेंट उसका होता है वो बेस्ट ट्रीटमेंट को देंगे। ये कार्यक्रम डॉक्टर्स ने शुरू कर दिया है, जोड़ने का काम अलग शुरू हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स ने ये वाला काम अलग शुरू कर दिया है। दूसरे हमारे जितने भी लीगल एक्सपर्ट हैं जो हमारे यहाँ कानूनी सहायता पहुँचाते हैं, उनमें से बहुत सारे साथी, चाहे हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, लोअर कोर्ट के हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, वो साथी जो अब तक कनेक्ट हो पाए हैं, क्योंकि हमें कनेक्ट होने के लिए किसी देश, प्रदेश, जिला, जनपद इसकी आवश्यकता नहीं है, अब हमें कनेक्ट होने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी इस संघ के लोग हैं, जो समण संघ के लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, उनको किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है जुड़ने के लिए। हम इकट्ठा हो रहे हैं, जो हो चुके हैं वो कर क्या रहे हैं, वो जितने भी हमारे लीगल सेल के एक्सपर्ट हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि किसी भी स्थिति पर भारत के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में कोई लीगल हेल्प चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस लीगल हेल्प को देने को तैयार हैं। केवल डॉक्यूमेंटेशन खर्च होगा वो उसको, जो हमारा आम आदमी है, जो वीदा पीपल है, उसको खुद वहन करना पड़ेगा, वो अपने आप वहन करेगा। इसके साथ में जितने हमारे भारत में टीचर्स हैं वो सारे आपस में कनेक्ट होना शुरू किया है, और जो टीचर्स कनेक्ट हो गए हैं
वो अपना प्रोग्राम तय कर रहे हैं कि हम अभी ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दें, उन्होंने प्रोग्राम तय करके आगे बढ़ा दिया है और वो उसको आगे ला रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं साथ चल रही हैं, जुड़ने की और जुड़ के वो करेंगे क्या, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। जितने हमारे इंजीनियर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होने के बाद में वो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो डिग्री है, वो किस प्रकार से आम आदमी के काम आ सकती है, किस प्रकार से जुड़ने के बाद हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये वो तय करेंगे। मीन्स जो भी हमारा हाउस लगता है उसमें हम ये तय करते हैं जो साथी स्वेच्छा से अपने आप, क्योंकि इसकी अवधारणा में एक विशेष बात और है जो विदा पीपल के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, बंधुत्व भाईचारा स्थापित करना। मीन्स हम किसी को आदेश नहीं देंगे, कोई हमें आदेश नहीं देगा, हम सब बराबर हैं और हम में से जो जिस काम को करना चाहता है, जो जिस क्षेत्र का ज्ञाता है, वो आगे बढ़ेगा, उस काम को शुरू कर देगा। उस काम को शुरू करने में अभी तक कहीं ये महसूस नहीं किया गया किसी पैसे की कोई आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी पैसे की कोई आवश्यकता पड़ती है, जो स्पोक्स होते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं, जो आयोजक होते हैं, चाहे मीटिंग के हो, चाहे उस प्रोग्राम के आयोजक हो, वो आयोजक उस मिनिमम खर्च को स्वयं वहन करते हैं और इस शर्त पे वहन करते हैं वो किसी से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो क्योंकि स्वेच्छा से कर रहे हैं तो उसका गाना भी नहीं गाएंगे, कोई रसीद नहीं छपाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। जितना वो खर्च करेंगे वो आपस में अगर बच जाता तो बांट लेंगे आपस में, कम पड़ता तो आपस में द्वारा ले लेंगे, और उस जो भी ओकेजन किया है, जो भी कार्यक्रम किया है, जो भी मीटिंग की है, उस मीटिंग के बाद में वहां पर हर एक व्यक्ति को ये पता होगा कि एक जो फाइनेंस टीम थी, जो लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था, 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए, उन्होंने वो उस प्रोग्राम के बाद में फिनिश कर दिया है और जो बचा है उनको या तो बांट लिया है, अब अवशेष कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पद नहीं जिसके बाद पैसा रखा जाए। तो इसलिए वो स्वेच्छा से आगे आते हैं, स्वेच्छा से अपना योगदान देते हैं और स्वेच्छा से उस चीज को आगे करके फिर वो पीछे चले जाते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में 2 फिजिकल मीटिंग हुई है, विदा पीपल के दिल्ली में 2 फिजिकल मीटिंग हो चुकी है। उसमें जितने भी साथी थे जो विदा पीपल से जुड़े हैं वो क्या करते हैं, इसकी अवधारणा में जब भी हम मीटिंग में जाएंगे घर से अपने साथ 6 पराठे लेके जाएंगे, 4 हम खा लेंगे, 2 दूसरों को देंगे। दूसरे से मेरा मतलब है जब जो भी खाना हम लेके आ रहे हैं वो खाना एक जगह संग्रहित हो जाएगा और उस संग्रहित खाने में से हमें पता नहीं है हमारे हिस्से में कौन सा आएगा, तो उसको मिल बैठ करके हम जब 1 घंटा खाना खाएंगे उसमें आपस में बात करेंगे, उसमें आपस में इंट्रोडक्शन करेंगे, उसमें आपस में हम जरूर जानेंगे और जानने के बाद में फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे। बाद में जो भी कड़वे से कड़वे प्रश्न हैं, किसी भी साथी के कितने भी कड़वे प्रश्न हैं, वो साथी वो प्रश्न अवश्य करें, क्योंकि अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे और उनके उत्तर हमारे बीच में नहीं आएंगे और हम उसको लेकर के फिर यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो हम किसी ना किसी चीज के शिकार भी बनते रहेंगे। क्योंकि हमारी जब धारणा है, हम जो इतने 70 सालों में चीट हुए हैं, जो ठगे गए हैं, जो हमारी परेशानियां बढ़ी हैं अब तक, उन परेशानियों को निराकरण खोजने में अपना हम योगदान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा जितना समझदार है उसकी काबिलियत उसके जीवन स्तर के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है और उस व्यक्ति की जो जिंदगी है उसी योग्यता पर चलती है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर साथी को, हर उस समर्थ संघ के जो भी साथी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि विदा पीपल का कॉन्सेप्ट ये है और इस कॉन्सेप्ट पे हम काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते। और अगर किसी के साथी के पास में उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो वो पूछेंगे, और अगर उन प्रश्नों के अलावा वो कहते हैं विदा पीपल ठीक है और वो कहते हैं काम करने को हम तैयार हैं, तो अभी नाम लिखे जाएंगे यहाँ लंच टाइम के बाद में, वो उसमें नाम नोट कराएं, स्पोक्स के रूप में काम करें और स्पोक्स के रूप में जो जिम्मेदारी जो भी साथी लेना चाहते हैं उसको लेना शुरू कर दें। केवल एक ही चीज है जो हमें सबसे पहले डिक्लेयर की है, वो है जुड़ना। और जब हम जुड़ जाते हैं उसके बाद हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो इस अवधारणा को लेकर निरंतर 3 बातों को विदा पीपल पूरी तरह से प्रोहिबिटेड करता है, पूरी तरह त्याग चुका है। पहली बात, कोई भी मीटिंग का विदा पीपल करेगा तो मिनिमाइज खर्च पर उसके जो आयोजक होंगे उस खर्च को वो वहन करेंगे जो उसके स्पोक होंगे। दूसरी चीज, ऐसी जगह पर मीटिंग आयोजित की जाएगी जो निःशुल्क प्राप्त स्थान हमारे पास हो। फिर उस मीटिंग में कोई ऐसा चीज नहीं हमें खर्च करनी है जो हमें दूसरों को दिखाना है, उसका भव्य रूप देना है, ऐसा कुछ विदा पीपल के टारगेट में नहीं है। जो मिनिमम खर्च पर मिनिमम चीजें हमें सिर्फ बात करने के लिए अवेलेबल हो सकती है उसको हमें अपनाना है। तीसरी चीज, विदा पीपल पैसे ना लेगा, ना विदा पीपल पैसे देगा और विदा पीपल के साथ में कोई भी व्यक्ति विदा पीपल का नाम से अगर कोई रसीद कोई किसी तरह का चंदा लेने जाता है तो वो विदा पीपल का सदस्य नहीं है, ये मान लिया जाएगा, क्योंकि विदा पीपल निरंतर इस बात को मना कर रहा है। चौथी बात, विदा पीपल का कोई भी व्यक्ति, विदा पीपल अपने आप में एक संघ है,
संघ कैसे यहाँ आज हम बैठे संघ के रूप में, जितने ही प्रश्न होंगे हम यहाँ देखेंगे, जितने ही प्रश्नों के जवाब है हमारे साथी जवाब देंगे, क्योंकि कोई स्पेशल साथी यहाँ पर कोई नहीं है। जो किसी प्रश्न का जवाब वही देगा, जिसको जिस प्रश्न का जवाब आता वो देगा, जिसका जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछेगा, और हम बाद में निचोड़ ये निकालेंगे कि सभी प्रश्नों के उत्तर अगर हमारे पास आ जाते हैं तब हम बाद में ये तय करेंगे कि हमें जुड़ना है। और जो जो साथी कहेंगे हमें जुड़ना है, क्योंकि यहाँ से जो साथी जुड़ चुके हैं वो इस देश के भिन्न भिन्न कोनों से कम यहाँ इस जनपद के दूर जनपदों से भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को निरंतर वो काम कर रहे हैं, इसको जी रहे हैं। जो चौथी बात है, कोई भी साथी वीदा पीपल का राजनीति में जा तो सकता है, लेकिन वीदा पीपल कभी राजनीति नहीं करेगा, क्योंकि वीदा पीपल अपने आप में एक संघ है, और इस दुनिया के अंदर जितने भी समण समाज के लोग हैं वो सारे संघ का हिस्सा हैं, उन सबको इसमें आना है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे हमारे किसी भी तरह की कोई सेना दल बल है, या किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक पार्टियां हैं जो भी हमारे सदस्य काम करते हैं, उन सबकी जवाबदेही वीदा पीपल के लिए होगी। वीदा पीपल की जवाबदेही केवल और केवल संविधान के लिए होगी, कि जो भी संविधान में निहित चीजें हैं वीदा पीपल उसको अक्षर से पालन करेगा, और अगर वीदा पीपल उसको अक्षर से पालन नहीं करता है तो उसका वीदा पीपल ना मान करके उसको उस वक्त जो है ये सोचा जाएगा, ये समझाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि ये आचरण, ये व्यवहार संविधान में नीत जो भी चीजें दी है उसका अनुरूप नहीं है, तो इसलिए उसको मान्य नहीं होगा, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में जितने साथी ऑनलाइन जुड़ते हैं, जितने साथी फिजिकल जुड़ते हैं, वो सभी साथी इस बात का एक रोजाना बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ये निकालते हैं कि अगर हमें जुड़ना जरूरी है तो क्यों ना हम जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि अगर हम जुड़ जाते हैं जिस प्रकार से 4 घंटे के लिए जुड़े थे 2 अप्रैल 2018 को, तो एक उस सरकार ने एक जो हमारा अधिकार खत्म किया था उस अधिकार को वापस लेने में वो मजबूर हुई, जबकि बदले में क्या हुआ कि उस टाइम के हमारे कितने साथी कितने बच्चे अभी तक उस चीज का शिकार है आज तक भी, लेकिन वो बगैर किसी कॉल के वो एक आम आदमी जुड़ा था, रोड पर आया था, और रोड पर आने की ताकत आप सभी लोगों ने देखी होगी। लेकिन जिस दिन अगर हमारे पास जो 90% लोग हम कहते हैं समाज सबके, जो मूल्यवासी समाज के 90% लोग हैं, वो अगर कनेक्ट हो जाते हैं, वो वी के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, हमारी बीमारी आई और आई में है, हमारे सारे ईगो जो है वो आई और आई के बीच में है, आई जो 2 आई को मिला के अगर हम बी बनाते हैं तो हमारे बीच में प्रीएम्बल कंप्लीट होता है, और अगर प्रीएम्बल कंप्लीट होता है तो पूरे निचोड़ है जो भारतीय संविधान है प्रीएम्बल में, उसकी लाइनों में सारा निचोड़ है कि बीमारी हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें बीमारी अपनी दूर करनी है। तो इसलिए आज हम यहाँ पर ये चर्चा करने वाले हैं कि वीदा पीपल के रूप में जो वीदा पीपल का कॉन्सेप्ट है, इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो हमारे साथी डिस्कस करेंगे, और इस डिस्कस करने के बाद जितने प्रश्न जिसके होंगे एक निश्चित समय अंतराल के बाद में उन प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे, और उस प्रश्नों के उत्तर के लिए सभी लोग खुले मन से उनका उत्तर देना चाहेंगे, उत्तर देंगे, और इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। जो हम एक चर्चा कर रहे हैं, कोई यहाँ किस तरह का मंच नहीं लगाया हुआ, एक वीदा पीपल की अवधारणा में शायद पहले बता दिया गया होगा कि वीदा पीपल की मीटिंग में कोई मंच नहीं लगेगा, कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई उसका स्पेशल कोई उच्च पदाधिकारी नहीं होगा, सब लोग बैठेंगे, सब लोग बराबर होंगे, एक टाइम पे जो मीटिंग का आयोजन करता है, जो उसका संचालन करता है, वो उतने टाइम के लिए संचालन करे तब मीटिंग चल रही है, उसके बाद में उसका जो रोल है उसका रोल खत्म हो जाता है। तो इसी अवधारणा के साथ हम लोग बात करेंगे, और बात करने के साथ जितने भी साथियों के साथ प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को लेंगे, और इसके बाद में हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। जो साथी निरंतर काम कर रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कि वीदा पीपल के विषय में जो मेरे बताने से कुछ चीजें रह गई हैं वो बताने का कष्ट करें, और बाकी जो साथी हमारे पास पहली बार प्रेजेंट हुए हैं वो उसको सुनकर के अपने प्रश्न तैयार करें, ताकि उस प्रश्नों को पूछने के बाद में उनके आंसर खोजने के बाद में कम से कम जनपद बुलंदशहर में ये माना जाता है, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर और कम से कम आगरा, यहाँ सबसे ज्यादा मिशनरी रहते हैं, तो जहाँ सबसे ज्यादा मिशनरी रहते हैं, सबसे ज्यादा मिशन को समझने वाले लोग रहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो उत्तरदायित्व है, जो दायित्व सबसे ज्यादा उन्हीं का होता है, उस दायित्व को कैसे पूरा करना ये भी हम लोगों को तय करना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, और आगे अनुरोध करता हूँ जो भी वीदा पीपल कॉन्सेप्ट है उस विषय में आगे बढ़ा जाए। थैंक यू।
धम्मं शरणं गच्छामि Singam Sirunam Gacchami.